हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे दो एसी लगे हुए हैं, आउटडोर लगे हुए हैं। ये देखिए, एक यहाँ नीचे लगा हुआ है और एक यहाँ ऊपर लगा हुआ है। नॉर्मली है क्या यहाँ पे, ये बताए तो ये एक तरह से शाफ्ट है। ये देखिए, ऊपर पाइप भी जा रही है, साइडों से पाइप जा रही है। ये शाफ्ट बनी हुई है जो कि चारों तरफ से बंद है। ये देखिए, ये आम दीवार है और ये शीशा भी ऐसे बंद हो जाता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये शीशा भी ऐसे बंद रहता है। ये दीवारें हैं, ये देख लीजिए, और ऊपर एसी लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे स्पेस है, होल बने हुए हैं जहाँ से एयर पास आउट हो जाती है। एसी का जो आउटडोर है उसकी जो एयर है वो वहाँ से पास आउट हो जाती है। लेकिन ये सबके घर में स्पेस नहीं होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, शाफ्ट में एसी लगा लेते हैं। जहाँ पर स्पेस नहीं मिलता है, सिर्फ दीवार होती है और ऊपर जाल होता है। यहाँ पर जैसे बंद है, ऊपर जाल होता है और नीचे चारों तरफ से बंद होता है। वहाँ पर जैसे ये स्पेस आप देख पा रहे हैं ओपन है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे एक दीवार आ जाए, यहाँ पे दीवार आ जाए और एसी आपने ऐसे लगा दिया, तो भैया आपका एसी कभी भी कूलिंग नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कूलिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल पा रही है एयर को पास करने के लिए। यहाँ पे तो जगह मिल पा रही है, जाली लगी हुई है, देखिए आर पार एयर पास हो जाती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ऐसा स्पेस है जहाँ पर आउटडोर के बाद दीवार है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दीवार है, मान लीजिए यहाँ दीवार होती, यहाँ पे आपने आउटडोर लगा दिया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप एसी तो ले लेते हैं, विंडो भी लगवा लेते हैं, विंडो को शाफ्ट में लगवा लिया, शाफ्ट में आपकी विंडो निकल रही है वहाँ पर लगा लिया, तो गर्म हवा पास नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप होता है, वहीं पर ही ट्रिप होना शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये मैं बताने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे विंडो लेना चाहते हैं और शाफ्ट में विंडो है, तो आप बिल्कुल भी विंडो का एसी मत लीजिए। आप स्प्रिट ले लीजिए, बालकनी में आउटडोर लगवा लीजिए, छत पे आउटडोर लगवा लीजिए, थोड़ा पाइप एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन आप ऐसी जगह पर एसी लगवाइए जहाँ पर एसी कंप्रेसर की हवा आउटडोर की हवा निकल पाए, गर्म हवा निकल पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका एसी कट ऑफ नहीं होगा, कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा और एसी में कूलिंग होती रहेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आपका एसी बार बार ट्रिप हो रहा है। क्यों हो रहा है, नया एसी लोगे दो घंटे बाद ही ट्रिप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको जगह नहीं मिल पा रही है। नए एसी में भी कट ऑफ की प्रॉब्लम आती है, कूलिंग की प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। आप जिससे एसी लिया उसके पास जाते हैं लड़ने के लिए, भैया ये एसी आपने दिया कूलिंग नहीं कर रहा। कंपनी वाले आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती कहाँ है, प्रॉब्लम यही भी होती है कि आपके पास स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से आपका एसी कट ऑफ हो रहा है, कंप्रेसर कट ऑफ हो रहा है। तो ऐसी जगह हो जहाँ पर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ विंडो नहीं लग सकता, वहाँ पे विंडो मत लगवाइए। आउटडोर भी ऐसी जगह पे मत लगवाइए जहाँ पे पीछे दीवार है और स्पेस नहीं है चारों तरफ से, तो वहाँ पे आउटडोर मत लगवाइए। जाल शाफ्ट में आउटडोर मत लगवाइए, शाफ्ट में विंडो एसी मत लगवाइए, जिससे क्या है, आपका एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।